हेलो गाइस, तो ये देख रहे हैं मल्च बेड के ऊपर हमने लगाई है मिर्ची। और मिर्ची का आप यहाँ पे देख सकते हैं रोपाई हो गई है, और मिर्ची जो है हमारी लगभग 20 दिन की हो गई है रोपाई करने के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं मिर्ची की, आप देख सकते हैं सभी बेड पे जो है कितने अच्छे से हेल्दी प्लांट जो है खड़े हुए हैं लाइन पे, देख सकते हैं कतार से हमने लगाए हुए हैं। एक मल्च बेड के ऊपर हमने एक ही लाइन लगाई है, और इसमें हमने एक एक फिट की दूरी पर जो है पौधे लगाए हैं। तो और कुछ पौधों में आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल आना स्टार्ट हो गया है, तो अगले 10-15 दिन बाद जो है इसमें सब में फूल आ जाएगा और इसमें मिर्चियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी जो है इसमें प्लांट हैं सारे। तो ये विशो सिस्टम है, हमने यहाँ पे इसमें ड्रिप सिस्टम अपनाया है, मल्च बेड के नीचे लगाया है। मल्च लगाने से ये हमारे फायदा है कि इसमें खरपतवार नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं एक भी पौधे के पास आपको खरपतवार नहीं दिखेगा, केवल मिर्ची मिर्ची जो है आपको नजर आएगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही जो है अच्छा तरीका है ये। इसमें एक बार जो है अपने मल्च का खर्चा आता है, उसके बाद जो है लास्ट तक जो है फसल के कोई भी खरपतवार नहीं होता है बीच में। तो बहुत ही अच्छा जो है तरीका है, किसान भाई जो है इस तरीके को अपना सकते हैं, इससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है।